हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। साथी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग का रिक्वेस्ट से ये ब्लॉग बन रहा है कि बहुत सारा दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं, काम में जाएंगे हमको लेके जाओ और आपका एड्रेस दो, फ़ोन नंबर दो, ऐसा बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो मैं अपना कंपनी का भी सिचुएशन दिखा रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। फिर चलिए कंपनी में चलते हैं। मैं कंपनी में ही हूँ, कंपनी का ही वीडियो है, चलिए दिखाता हूँ। ये कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी काम का सिचुएशन आप देख के समझ जाइएगा क्या हालचाल है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है या क्या सुविधा में है, उसके बाद बोलूँगा। देखिए काम करने के लिए आ रहे हैं सब। मशीन कैसा साफ होता है देखिए। सब सफाई कर रहे हैं, जगह रेडी कर रहे हैं। एक्चुअली में अभी जाम कैसा है देखिए, पहले काम का जगह साफ हो रहा है। एक्चुअली में जाम हो गया है, सामान बहुत मतलब बहुत भरा पड़ा है। ये सब तो सब तरफ सामान भरा पड़ा है, लकड़ी भी सब तरफ है, सामान भी सब तरफ है। ये कारपेंटर लाइन का दिखा रहा हूँ, फिर अपना पॉलिश लाइन का दिखाऊंगा। मैं सब आज का वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि कितना जाम में पड़ा है सामान आप देखो, इसीलिए ये सब दिखाने का मतलब वही है कि आप लोग का रिक्वेस्ट क्यों नहीं सुना जा रहा है, आप समझ जाइएगा उसमें। सिर्फ 5-6 आदमी, 7 आदमी हैं काम करने के लिए कारपेंटर, जब यहाँ रहते हैं 15-20 आदमी रहते हैं, लेकिन अभी रहने के काम करने के लिए सिर्फ 4-5-6 आदमी टोटल काम कर रहे हैं और ये तरफ सब तरफ जाम पड़ा है सामान। तो क्या हो रहा है ना, अभी एक्चुअली में सेलिंग कम है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो ये सब सामान जाम पड़ा है इसलिए। और सब सेलिंग नहीं होगा तो आदमी रख के भी क्या करेंगे, ज़्यादा आदमी यहाँ रहेगा तो भी क्या होगा। आदमी का तब ज़रूरत पड़ता है जब मतलब माल सेलिंग होगा और यहाँ से प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्ट है जाएगा सब, तब जाके तो आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी ऐसा कुछ सेलिंग नहीं हो रहा है, सब तरफ जाम पड़ा है सब तरफ। आप किधर भी दिखाऊंगा आपको जाम ही दिखेगा। ये पुलिस का डिपार्टमेंट है, एक दो आदमी तीन आदमी काम करते हैं बस, ये भी वो भी कभी कभी ऑर्डर होता है तभी आते हैं। देखिए आज एक ही आदमी आए हैं काम करने के लिए। यहाँ जैसे कि पहले से स्प्रे का जगह है, सब तरफ भरा पड़ा है सामान। इतना भरा पड़ा है कि मतलब सेलिंग ही नहीं जा रहा है, गाड़ी खड़ा हुआ है, सामान भरा पड़ा है, आदमी जाए क्या करेगा, किसको बुलाएगा। तो इसीलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए ऐसे और कमेंट करेंगे जरूर, ब्लॉग अच्छा रहेगा। तो अभी डाउन है हम लोग का जितना है सब, मतलब अभी खाने का ही सिर्फ काम दिया जा रहा है, जितना खाने का पैसा बस निकल जाए, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, काम नहीं है देखो पूरा, मतलब गाड़ी वाड़ी सब खड़ा हुआ है, काम सब तरफ जाम हुआ है। इतना स्टॉक हो गया है कि अभी रखने का जगह नहीं है। चलिए और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जहाँ आदमी का भी ज़रूरत पड़ेगा तो वो जगह का पोजीशन क्या है। ये देखिए जहाँ पर लकड़ी सीजन होता है वहाँ का पोजीशन अभी क्या है, ये अभी सब बंद पड़ा है। ये आज नहीं, 6 महीना का, लगभग 5-6 महीना से बंद पड़ा है,
ऐसे 4-5 महीना हो जाएगा, और लकड़ी सब तरफ जाम है। वो ऐसा ऊपर का तो आपको उधर से दिखाया था, ये रूम सब फुल है, रूम में फुल है, इधर में सब सामान है, लकड़ी पड़ा है, अंदर में भी और सारा बहुत सारा लकड़ी पड़ा है, जाम है। मैं रूम का सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, आप तब समझ जाओगे क्या हाल चाल है। देखिए रूम का अंदर का दोनों रूम पूरा फुल है, तो मैं क्या आपको क्या आंसर दूंगा इसमें? आप बोलेंगे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग हम लोग का फ्रेंड है, तो माहौल ऐसा है। अभी यहाँ आदमी 3-4 आदमी बराबर काम करते हैं, यहाँ का आदमी सब छुट्टी में है। मतलब ये लास्ट जो मतलब ये रूम चालू हुआ था, देखिए 23/8/23 को, मतलब 5 महीना पहले। लकड़ी नीचे का बता रहा हूँ, स्टॉक का हिसाब से बता रहा हूँ, लकड़ी नीचे में पूरा फूल रहता है, ये जगह में पूरा अभी नहीं है, खाली है। वहाँ देखिए यहाँ पूरा ये लकड़ी कटिंग का जगह है, यहाँ पूरा फूल रहता है, यहाँ भी लकड़ी नहीं है, सब खाली पड़ा है, तो आदमी किधर जाएगा? तो इसीलिए अभी प्लीज आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, केरला का पोजीशन ऐसा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है केरला का पोजीशन, तो ज़रूर आप लोग को बताऊंगा ज़रूर कैसा, मतलब ब्लॉग में ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि जब अच्छा चलता है तो सब कुछ दिखाने के लिए मन लगता है, सब कुछ शेयर करने के लिए मन लगता है, और अभी जैसा कि सही पोजीशन नहीं है तो ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है सब, तो इसीलिए बताना पड़ रहा है। ये देखिए ये सब जंगल हो गया है पीछे, मतलब जहाँ हम लोग का रोड है, ये रोड का मतलब ये सब साफ सफाई अभी मतलब बहुत अच्छा से रहता है जब सब सही चलता है, तो अभी सही नहीं चल रहा है बोल के ये सभी मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। सेलिंग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही सेलिंग कम है, मार्केट सब खाली हम लोग का फर्नीचर लाइन नहीं है, कोई भी लाइन में जाओ, क्योंकि सब सबके तरफ डिपेंडेबल रहते हैं, तो उतना मार्केट अभी पूरा डाउन चल रहा है सब सब सब्जेक्ट में मतलब। तो आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, और अब आज का ब्लॉग कैसा रहा आपको इन्फॉर्मेशन सही मिला या नहीं ज़रूर बताइएगा, और मैं बिलीव करता हूँ कि जब अच्छा चलेगा तो मैं बताऊँगा ज़रूर, और आप लोग को अगर मेरे तरफ से कुछ भी सपोर्ट मिलेगा ज़रूर करूँगा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं इन करता हूँ, ब्लॉग अच्छा रहे तो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बाय, प्रेज द लॉर्ड।